हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थियों ने सम्मान में इंडिया की उकेरी तस्वीर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारों की ठाणी साजंटा में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों एवं प्रेरणादायक वचनों से प्रेरित होकर इंडिया की तस्वीर उकेरी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जगवीर सिंह सियाग बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजित किए गए। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। पूरे विश्व में अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक का डंका बजाने वाली स्वामी विवेकानंद ने केवल सोच और तर्क पर बल नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद की विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का बहुत शौक था। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों पर हुई प्रतियोगिता। कार्यक्रम प्रभारी इंद्रराम भादु ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत ही प्रेरक और अनुकरणीय है। हमें उनके विचारों पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने स्वयं को कमजोर आंकना एक पाप माना। उपहास, स्वीकृति और विरोध को पार करने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। दिल और दिमाग में यदि टकराव हो जाए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दिल की बात सुननी चाहिए। अनुभव को विशेष महत्व देते थे और अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है, ये भी हमेशा कहा करते थे। 25 वर्ष की उम्र में गुरु से प्रभावित होकर सांसारिक मोह त्याग दिया और सन्यासी बन गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद सम्मेलन में हिंदी में भाषण देते हुए कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, इसके भाषण पर इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जो भारत के सम्मान और गौरव के रूप में दर्ज की गई। स्वामी विवेकानंद को भारतीय संगीत का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कई मौकों पर अपने विचारों से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गंगाराम गोदारा, प्रकाश कुमार प्रजापत, दुर्गा राम डौकिया, निर्मला, संतोष कुमारी वर्मा और श्वेता यादव उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।